दोस्तों, ब्रॉक लेसनर जब भी WWE में आते हैं तो तबाही जरूर मचाते हैं। जो भी उनसे टक्कर लेता है उसके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। तो आइए जानते हैं द बीस्ट इनकार्नेट के 5 ऐसे बड़े मैचेस के बारे में जिनमें ब्रॉक ने बड़े सुपरस्टार्स को डोमिनेटिंग वे में हराकर एक तरफा जीत हासिल की थी। नंबर 5, डिस्ट्रॉइंग द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के कितने खतरनाक रेसलर थे ये तो हम सब जानते ही हैं। ब्रॉन को हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था और गिनती के कुछ ही रेसलर हैं जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया हुआ है। साल 2018 में जब ल्यूकीमिया की वजह से रोमन रिंग्स ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंकिश की तो 2 नवंबर 2018 को हुए क्राउन जेवल PPV में ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉक लेसनर के बीच वैकेट किए गए यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हुआ था। मैच के शुरू होने से पहले ही टकले कॉर्बिन ने यूनिवर्सल टाइटल से ब्रॉन स्ट्रोमैन के सिर पर पीछे से वार करके उन्हें नीचे गिरा दिया, जिसका फायदा ब्रॉक लेसनर ने उठा लिया और एक के बाद एक पूरे 5 F5 मारकर सिर्फ 3 मिनट और 16 सेकंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके हरा दिया था। ये मैच इतना एक तरफा था कि 5 F5 के बदले में ब्रॉन स्ट्रोमैन सिर्फ एक बिग बूट ही मार पाए थे। इस तरह से द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर पहले रेसलर बन गए थे जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतनी आसानी से और इतने कम समय में हराया था। नंबर 4, गेम ओवर। दोस्तों, साल 2012 में ब्रॉक लेसनर ने पहले तो ट्रिपल एच फिर शॉन माइकल्स के हाथ को कमुरा लॉक लगाकर इंजर्ड कर दिया था। इस वजह से अपना और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए द गेम ब्रॉक लेसनर के खिलाफ समर स्लैम 2012 में जंग के मैदान में उतरते हैं। शुरुआत में ट्रिपल एच ने ब्रॉक को अच्छी खासी टक्कर दी और 2 बार रिंग के बाहर किया, लेकिन उसके बाद ब्रॉक ने ट्रिपल एच के पहले से इंजर्ड हाथ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर तो ब्रॉक रुके ही नहीं, यहाँ ट्रिपल एच ने कई बार फाइट बैक करने की कोशिश की पर ब्रॉक पर कोई असर नहीं हुआ। 2 बार पेडिग्री मारने के बाद भी द गेम बीस्ट को नहीं हरा सके। धीरे धीरे करके ये मैच एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। द गेम अब बार बार ब्रॉक के पेट को निशाना बनाते हैं पर लेसनर अचानक से ट्रिपल एच के अखरोट फोड़कर उन्हें एक F5 दे मारते हैं। फिर भी ये मैच खत्म नहीं हो पाता। फिर बेबस और लाचार गेम पर लेसनर कमुरा लॉक से हमला करते हैं, जहां पहली बार में तो वो सर्वाइव कर गए पर दूसरी बार में ब्रॉक ने उनका हाथ ही मोड़ दिया, जिस वजह से ट्रिपल एच को मजबूरी में हार माननी ही पड़ी थी। 19 मिनट और 17 सेकंड के इस मैच में ज्यादातर ब्रॉक लेसनर ने ही डोमिनेट किया था। नंबर 3, मैन हैंडलिंग जॉन सीना। दोस्तों, साल 2014 के समर स्लैम पेपर व्यू में द फेस दैट रन्स द प्लेस जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड की थी, पर ये 16 मिनट का मैच सीना के लिए इतना भयानक होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मैच के शुरू होने के 30 सेकंड के बाद ही लेसनर ने सीना को एक F5 दे मारा। फिर अगले 10 मिनट तक ब्रॉक लेसनर ने सीना को नीज और कई सारे जर्मन सुप्लेक्स मारे। ये मैच इतना एक तरफा होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर अचानक से चैंप ने पासा पलटा और ब्रॉक को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया, पर इससे लेसनर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो जुबान निकालकर हंसते हुए नाचने लगे। वहीं उस वक्त सीना के चेहरे पर उदासी और दर्द साफ देखा जा सकता था। इसके बाद एक बार फिर ब्रॉक सीना पर पंचेस की बारिश करने के बाद जर्मन सुप्लेक्सेस की बारिश करने लगे। इस मैच में बीस्ट ने चैंप को टोटल 16 जर्मन सुप्लेक्सेस मारे थे। एंड में सीना ने ब्रॉक को STF सबमिशन भी लगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें ब्रॉक ने F5 मारकर पिन करके हरा दिया। इस तरह से ब्रॉक लेसनर ने इस एक तरफा मैच को बड़ी आसानी से जीतकर WWE चैंपियनशिप भी जीत ली थी और इस पूरे मैच में अपना डोमिनेंस दिखाया। नंबर 2, अनप्रेडिक्टेबली डिफीटिंग द बिग डॉग। दोस्तों, रेसलमेनिया 34 में हुआ ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स का यूनिवर्सल टाइटल मैच तो आपको याद ही होगा। यहाँ 90% चांस थे कि रोमन रिंग्स इस मैच को जीतकर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि उस समय ब्रॉक लेसनर का टाइटल रेन काफी लंबा हो गया था और सभी को लग रहा था कि ब्रॉक इस मैच को हार कर WWE से फिर से गायब हो जाएंगे, पर ब्रॉक लेसनर ने तो सबकी प्रेडिक्शन पर पानी फेर कर पूरा पासा ही पलट कर रख दिया।
इस मैच में हमें रोमन रिंग्स की तरफ से कई सारे सुपरमैन पंचेस और स्पीयर्स देखने को मिले थे। वहीं ब्रॉक लेसनर ने भी रोमन को कई सारे जर्मन सुप्लेक्सेस और बैली टू बैली सुप्लेक्स लगाए थे। रिंग में 3 F5 और टेबल पर 1 F5 खाने के बाद भी जब रोमन ने हार नहीं मानी तो ब्रॉक ने उनके सिर पर फोरआर्म्स मारकर खून निकाल दिया। यहाँ रोमन के सर से पानी की तरह खून बहने लगा था। इसके बावजूद कि उन्होंने हार नहीं मानी और बीस्ट को 2 स्पीयर मारे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में लेसनर ने बड़े ही शॉकिंग तरीके से रोमन को 5वां F5 मार करके मैच में हरा दिया और बड़ी चतुराई से अपना टाइटल भी बचा ले गए। मैच के बाद रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर दोनों की हालत खराब हो गई थी। लेसनर यहाँ बाजी मार गए थे क्योंकि कुछ हद तक वो इस मैच में रिंग्स पर भारी पड़े थे। नंबर 1, द स्ट्रीक ब्रेकर। रसलमीनिया 30 में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ द अंडरटेकर ने रसलमीनिया के इतिहास में अपना 22वां मैच लड़ा था। इससे पहले उनकी लगातार 21 रसलमीनिया मैचों को जीतने की स्ट्रीक थी। लेकिन दोस्तों, स्ट्रीक या रिकॉर्ड भी टूटने के लिए ही बने होते हैं, और उस रात भी यही हुआ। चॉक स्लैम, टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर और हेल्स गेट सबमिशन जैसे खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को इस मैच में नहीं हरा सके, और ब्रॉक लेसनर ने उस रात अंडरटेकर को तीसरे F5 के साथ पिनफॉल के जरिए हराकर उनकी रसलमीनिया स्ट्रीक को तोड़ दिया था। ये पल फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और WWE के इतिहास के सबसे ज्यादा इमोशनल पलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के इन 5 मैचों में से आपको सबसे खतरनाक मैच कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।